और भी जैन संगठन परिवार और सभी संस्थाओं ने और पूज्याचार्य भगवंतों ने चिंतन किया कि भाई ये क्या विषय है, क्योंकि ये विषय केवल नयापुरा जैन समाज का नहीं है, ये सकल जैन समाज का विषय है, चिंता का विषय है। तो आज हम यहाँ पर सभी लोग आए हैं, मैं दिल्ली से हम लोग आए हैं, इंदौर से आए हैं, छतरपुर से आए हैं, और भी जगहों से समाज के प्रतिनिधि आए हैं अपने नयापुरा जैन समाज को से जानकारी लेने और मंदिर जी की वस्तु स्थिति वास्तविकता, ताकि पूरा देश जो समाज चिंतित है वो उस चिंतित चिंता से बाहर निकले और जो भी गतिविधि यहाँ पर हो रही है वो उससे अवगत हो। तो बंधुओं, ये प्राचीन मंदिर जी है हमारा, 500 वर्ष प्राचीन मंदिर जी है, भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ विराजमान है मूल नायक के रूप में। और ये आप देखिए, ये पूरे मंदिर जी का ऐसे पूरा प्रांगण है, और ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर प्राचीन समय से नगर रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ पर नगर रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। और ये जो भारी, ये जो हिस्सा है सारा, ये भारी हिस्सा है। और जो आप आइए बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ जो विषय है। कल आपने देखा कि मंदिर जी के भारी हिस्से से ये हमारे जो मेहराब है इसको निकाला गया। तो यहाँ पर हमारी जो मंदिर जी प्रबंधक समिति है उनसे हमारी चर्चा हुई है सारी विस्तृत रूप से, उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से वो इस सड़क चौड़ीकरण में अपने मंदिर जी का भारी भाग को, जो पहले यहाँ पर बाउंड्री थी उसको हटाया गया है, और वो मंदिर जी की जो प्रबंधक समिति है उसकी सहमति से उसको हटाया गया है। और ये मंदिर जी का केवल जो भारी भाग है, ये जो दीवार है सारी, उसमें मंदिर जी की जो मूल वेदी है या भारी भाग जो दीवारें हैं उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी है। केवल ये जो मंदिर जी का बहराव है, जो बाहर का हिस्सा है, जिसको ठीक किया करने के हिसाब से कमेटी की सहमति से इसको निकाला गया है। तो मैं सभी जैन समाज से विनती करता हूँ कि कृपया अगर यहाँ की वीडियो कोई वायरल होती है तो कृपया नयापुरा जैन समाज मंदिर जी से संपर्क करें, ताकि वस्तु स्थिति का पता चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब लोग यहाँ पर आए हैं आज, और काफ़ी देर से हमने सारे विषय को समझा, चर्चा की मंदिर जी प्रबंधक समिति से, और वस्तु स्थिति को जानकर आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं। जय जिनेंद्र।